खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए बहुत बुरी खबर। खबर ये कि उनका जो मच अवेटेड होली का सॉन्ग था भतार मेरा होली में धोखा दिया, जिसे उन्होंने भाई अक्षरा सिंह और न जाने कितनी बार स्टेज शो पे परफॉर्म भी किया, वो औंधे मुंह और बुरी तरह से फ्लॉप हो गया है। अब भाई जो लोग पवन सिंह को ताने कस रहे थे कि भाई खेसारी हिट पे हिट दिए जा रहे हैं, पवन सिंह का तो कहीं अता पता नहीं है, तो अब वो पवन सिंह को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि खेसारी का ये एल्बम जो टिप्स भोजपुरी पे आया है, जो नया चैनल है, आपको बता दें कि भाई 23 घंटे में 1.5 लाख व्यूज़ आए। जी हाँ, आपने सही सुना, 23 घंटे में 1.5 लाख व्यूज़ आए हैं। खेसारी ने तो इस चैनल का भी प्रमोशन किया था, जैसे ये गाना रिलीज़ हुआ उस वक्त भी प्रमोशन किया, लेकिन कहाँ धोखा हुआ। धोखा ये हुआ कि जैसे ही ये गाना रिलीज़ हुआ, वैसे ही कुछ चैनल वालों ने, जिसके सब्सक्राइबर कम थे, उन्होंने ये गाना कॉपी किया और तुरंत का तुरंत अपने चैनल पर अपलोड कर लिया, जिसकी वजह से भाई ऑडियंस तितर बितर हो गई। और तो और दूसरा बहुत बड़ा कारण था कि ये चैनल नया था, नया नहीं कह सकते, ऑलरेडी बहुत पुराना चैनल है, लेकिन एक्टिव नहीं था। इस एक्टिव चैनल पे सब्सक्राइबर थे, बट सब्सक्राइबर उतने भी ज़्यादा नहीं थे कि जिसे आप यूँ कह सकते हैं कि इस चैनल पे ये गाना डाला जा सके। ये गाना डालने की मेन वजह ये थी कि इस चैनल को उठाना है, लोगों की नज़रों में लाना है, इसलिए खेसारी ने ये कहा कि भोजपुरी के टिप्स चैनल, जो कि नया चैनल है, आपको बता दें ये चैनल 2015 का बना हुआ चैनल है, YouTube पर है, लेकिन ये ज़्यादा एक्टिव नहीं है। एक्टिव है भी तो भाई इस पर उस हिसाब से सब्सक्राइबर नहीं है। बस इस पर गाना रिलीज़ करना खेसारी और उनकी टीम के लिए भारी पड़ गया। गाना बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन पिक्चराइजेशन में थोड़ी कमी रह गई है, जो कि सुबी शर्मा नाच रही हैं और आजू बाजू लड़कों को लड़कियां बनाकर नचवाया जा रहा है, काफ़ी गंदा लग रहा है। इसके अलावा भाई आप 2-4 लड़के लड़कियाँ पकड़ लेते और आजू बाजू डांस करा लेते तो वो ज़्यादा अच्छा लगता, न कि लड़कों को लड़कियाँ बनाकर। हाँ, ये बात और है, होली में ये होता है कि लड़के लड़कियां बनकर भांड डांस करते हैं, लेकिन इसके लिए ये सही जगह नहीं थी। और तो और ऐसा लग रहा है कि गाने पर कुछ खास खर्च नहीं किया गया है, गाना बना दिया गया है बस, क्योंकि खेसारी के नाम पर, सुबी शर्मा जैसे स्टार्स के नाम पर। लेकिन अब पवन सिंह के लिए जो लोग टोंट कस रहे थे, खेसारी के फैंस, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। हाँ भाई, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो लोग टोंट कस रहे थे भाई खेसारी के होली के गाने को व्यूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं, वो ट्रेंडिंग में रहते हैं, पवन को क्या हो गया है, तो भाई अब उनके लिए ये मुँह तोड़ जवाब है। खेसारी के साथ भी ऐसा हो सकता है, चैनल नया हो तो क्या हुआ, लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो भाई अब भाई अगर खेसारी के फैंस हैं या रितेश के फैंस हैं, किसी के भी आप फैंस हैं, तो टोंट मारने से पहले या किसी भी बड़े स्टार्स को कुछ भी कहने से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा, ये सभी के लिए एक तमाचा है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।